ऑटो कैड 2D और 3D हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें कैट करियर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई जाएगी वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, घर का डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना हर ऑटो कैड डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि घर का जब आप प्लानिंग शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि पूजा रूम हुआ, किचन हुआ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि इसको किस जगह पे एडजस्ट किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो वास्तु शास्त्र के अंदर आती है। आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र मेरे चैनल का टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी मुझे ये बात महसूस हुई है कि मेरे पास बिल्डिंग प्लानिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो अपने दोस्तों से शेयर करूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिए। जो बातें मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगेगी। वास्तुशास्त्र के बारे में अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन को समझना ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्शन को समझ जाएंगे तो फिर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 साइड दिए हुए हैं, 4 डायरेक्शन दिए हुए हैं। उसके अलावा भी 4 डायरेक्शन और हैं जो कि एज पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है ईशान, जो कि ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे है। दूसरा है आग्नेय, वो है ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे। और तीसरा है नेतृत्व, जो कि वेस्ट और साउथ के कॉर्नर पे है। और चौथा है वाव्य, जो कि वेस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे है। ये कॉर्नर का नाम हुआ। इस नाम के अकॉर्डिंग ड्राइंग जब बनती है तो इस नाम के अकॉर्डिंग वास्तु के हिसाब से उसका एडजस्ट किया जाता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अलावा जब प्लॉट का डायरेक्शन किसी एज पर होता है तो वास्तुशास्त्र में उसका कुछ नाम रखा गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ईशान, आग्नेय, नेतृत्व और वाव्य। इन चारों का नाम दिया गया है वास्तुशास्त्र में। इन कॉर्नर पे जब आपका प्लॉट होता है तो उस प्लॉट में, उस कॉर्नर में वास्तुशास्त्र का क्या डिज़ाइन होगा, उसी चीज़ को मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस पर आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला है पूर्वमुखी भवन, यानी ईस्ट साइड एंट्री वाला घर। जब आपका प्लॉट ईस्ट साइड से एंट्री करने वाला हो, यानी जब आपका फ्रंट ईस्ट साइड हो, पूरब की तरफ हो, तब उस कंडीशन में किचन का डायरेक्शन किधर होगा, बाथरूम का डायरेक्शन किधर होगा, उसको इसी फिगर में दर्शाया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आएगी। दूसरा है पश्चिम मुखी भवन, यानी जब आपके घर का फ्रंट लुक पश्चिम साइड का हो, यानी वेस्ट साइड से जब आपका घर घर में एंट्री हो, तो उस कंडीशन में आपके किचन का डायरेक्शन किधर होगा और आपके बाथरूम का डायरेक्शन किधर होगा और आपकी सीढ़ी का डायरेक्शन किधर होगा, वो सारी चीज़ें इस फिगर में बताई गई हैं। आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं बारी बारी से इन चीज़ों को बता रहा हूँ। इन चीज़ों को अच्छे से समझिए। फिगर में सारा चीज़ क्लियर करके बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद है नॉर्थ एंट्री भवन। नॉर्थ एंट्री भवन का मतलब ये हुआ कि जब आपके घर का डायरेक्शन, जब आपके घर का फ्रंट लुक नॉर्थ साइड से हो, तब उस कंडीशन में आपके बेडरूम का, आपके किचन का, आपके बाथरूम का साइड किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, आपके सीढ़ी का डायरेक्शन किधर होगा, आपके स्टेयर का डायरेक्शन किधर होगा, वो सारी चीज़ें इस फिगर में क्लियरली बताई गई है। मैं बारी बारी से सारे फिगर को दिखा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना हर ऑटो कैड डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से समझिए, नहीं होता है तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहद पसंद आई होंगी और आपका कंसेप्ट भी
क्लियर हुआ होगा इस फिगर के थ्रू। इसके बाद आता है साउथ डायरेक्शन वाला भवन। साउथ डायरेक्शन वाला घर, जब आपके घर का फ्रंट लुक साउथ डायरेक्शन में हो, साउथ की तरफ हो, तो उस कंडीशन में आपके घर का सीढ़ी किधर होगा, आपके घर का बाथरूम किधर होगा, आपके घर का किचन किधर एडजस्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इस फिगर में दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आई होगी। तो इसको अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉर्नर साइड डायरेक्शन का। जब आपके प्लॉट का डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो, यानी जब आपके प्लॉट का फ्रंट लुक ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो, तो उस कंडीशन में वास्तुशास्त्र ने वैसे भवन को, वैसे प्लॉट को ईशानमुखी भवन का नाम दिया है। और उस कंडीशन में आपके किचन का डायरेक्शन किधर होगा, आपके बाथरूम का डायरेक्शन किधर होगा, आपके पूजा रूम का डायरेक्शन किधर होगा, आपके स्टेयर का डायरेक्शन किधर होगा, वो सारी चीज़ें इस फिगर में बताई गई हैं, बेसिक से बताई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इस फिगर में जो चीज़ बताई गई है, अगर इसको अच्छे से अध्ययन किया जाए, तो हर ऑटोकैड डिज़ाइनर के लिए इतना ही काफ़ी होगा समझने के लिए। तो इसको अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। जब आपके प्लॉट का डायरेक्शन ईस्ट और साउथ में हो, यानी जब आपके घर का फ्रंट लुक ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में हो, तो उस कंडीशन में वास्तुशास्त्र ने वैसे प्लॉट को, वैसे भवन को आग्नेयमुखी भवन का नाम दिया है। और उस कंडीशन में आपके भवन में किचन का डायरेक्शन किधर होगा, बाथरूम का डायरेक्शन किधर होगा, स्टेयर का डायरेक्शन किधर होगा, वो सारी चीज़ें इस फिगर में बताई गई हैं, इस चित्र में दर्शाई गई हैं। इसको आप अच्छे से समझिए और आप अपना कम्प्लीमेंट दीजिए कि इस फिगर को समझ करके आपको कितना अच्छा लग रहा है, या फिर आपका नॉलेज कितना बढ़ा इस फिगर को देख करके, मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं और हर ऑटोकैड डिज़ाइनर को ये बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इस फिगर को अगर आप समझ लेंगे अच्छे से, तो मुझे उम्मीद है कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग बनाना आ जाएगा। जब आपके प्लॉट का डायरेक्शन साउथ और वेस्ट कॉर्नर पर हो, यानी जब आपके घर का फ्रंट लुक साउथ और वेस्ट कॉर्नर हो, तो उस कंडीशन में वास्तु में वैसे भवन को नेतृत्वमुखी भवन कहा जाता है। और उसी चीज़ को इस फिगर में दिखाया गया है कि जब नेतृत्व भवन हो, यानी वास्तु के हिसाब से आपका भवन जब नेतृत्व भवन हो, यानी साउथ और वेस्ट कॉर्नर पर आपका प्लॉट मौजूद हो, तो उस कंडीशन में किचन का डायरेक्शन किधर रखना चाहिए, बाथरूम का डायरेक्शन किधर रखना चाहिए, सीढ़ी का डायरेक्शन किधर रखना चाहिए, उसी चीज़ों को इस फिगर में बताया गया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बेसिक चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिगर में जो चीज़ें बताई गई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब आपके प्लॉट का डायरेक्शन वेस्ट और नॉर्थ कॉर्नर पे होता है, तो उसको वायव्यमुखी भवन कहते हैं वास्तुशास्त्र में। जैसा कि फिगर में अभी आपको देख रहा होगा कि जब आपके प्लॉट का डायरेक्शन वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में बाथरूम का डायरेक्शन किधर रखना चाहिए, स्टेयर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, किचन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस फिगर में बताई गई हैं अच्छे से, डिटेल से, बेसिक से। तो इस फिगर को अच्छे से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और इसके थ्रू ड्राइंग बनाना भी बहुत ज़रूरी है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अभी जो जानकारी मैंने आप लोगों के सामने फ़ोटो के ज़रिए शेयर की है, प्लीज़ बताइए वो आपको कैसी लगी। क्योंकि जो भी जानकारियां मैंने आपको दी हैं, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और उस इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही आप डिज़ाइनिंग बनाइए, प्लान तैयार कीजिए और अच्छे से प्लान तैयार कीजिए, हर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कीजिए और एक अच्छा प्लानर बनिए। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से तैयारी करें। बाय बाय।